अस्सलाम वालेकुम फूडी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन रेशमी कढ़ाई की रेसिपी। ये बहुत ही लाजवाब बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपने स्पेशल ओकेशन पर इसे बनाइएगा और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं इसे बनाने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 सूखी लाल मिर्चें ली हैं। इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तो हल्का कलर चेंज होने तक इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा, 2 छोटी इलायची और 1 छोटा टुकड़ा जायफल का। इसे ऐड करके इन सबको भी रोस्ट कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सूखे मसालों की। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब ग्राइंड करते वक्त इसमें मैं 3 हरी मिर्चों को तोड़कर ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, ये चिकन रेशमी कढ़ाई है, आप इसमें तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा तीखी तो होती नहीं है, लेकिन अपने टेस्ट के हिसाब से हम उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है, अब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन ली है, बोन्स के साथ है ये, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दही और 2 बड़े चम्मच भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो रोस्ट किया हुआ अभी हमने मसाला तैयार किया था वो भी ऐड कर लेंगे। इसी के साथ इसमें 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से और 1/2 नींबू का रस ऐड करके इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और सफ़ेद मिर्च का पाउडर स्किप कर सकते हैं। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम किया है और उसमें 2 छोटे तेज़पत्ते और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है। इसी के साथ 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट ऐड किया है और इसे हम 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। अब हमने इसमें 1/2 चम्मच हल्दी ऐड किया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। आप इसे किसी भी रोटी, चपाती, पराठा, नान किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसमें हमारी मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर लेंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इसे हम मिक्स करते हुए 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। अब 5 मिनट बाद हम चिकन को कवर करके लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक पका लेंगे। अब 20 से 25 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं, चिकन हमारा पक चुका है और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है, ये दिखने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है। अब इसमें 10 से 12 काजू लिए थे, उसका पेस्ट मैंने तैयार किया है वो ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर लेती हूँ और 5 मिनट के लिए इसे ढक के फिर से पका लेंगे। अब हम 5 मिनट बाद चेक कर लेते हैं ढक्कन हटा के, और इसमें 2 बड़े चम्मच क्रीम या घर की मलाई ऐड कर सकते हैं, 1 चम्मच चीनी और 3/4 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करके मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। इस वक्त हम ग्रेवी की कंसिस्टेंसी और सीजनिंग भी एडजस्ट कर लेंगे। हमारी चिकन रेशमी कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी है। अब फाइनली इसमें हम तड़का लगाएंगे, तो पैन में 2 चम्मच देसी घी या फिर बटर गरम करेंगे। इसमें थोड़ा लंबा कटा हुआ अदरक और लंबी कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करके थोड़ा पका लेंगे। दोनों का बस हल्का कलर चेंज होने तक हमें इसे पकाना है और ये स्टेप आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अब मैंने ये तड़का चिकन पे डाल दिया है, हमारी चिकन रेशमी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए।
लास्ट में हरे धनिये से गार्निश कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।